Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अब मुझे हर वक्त महल याद आते रहेगा। तुमने इतनी सेवा की है कि मुझे यहाँ का तो कुछ भी पसंद नहीं आएगा। तो चलिए ना हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ चलो ना। चलिए ना। अरे भाई कुछ दिनों के लिए अदालत की बकबक और झकझक से छूट मिल जाएगी। ना ना ऐसा मत कहिए। इस दुनिया से सुलझने के लिए वकील का बोलते रहना और उसकी आवाज का कोर्ट में सुनाई देते रहना बहुत जरूरी है। भाई 4 दिनों के लिए चलेंगे, खामोश रहेंगे, अदालत नहीं जाएंगे तो क्या कयामत आ जाएगी? अरे साहब मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूं। अगर आपका मुकदमा हुआ और मैं बोल नहीं सका तो वाकई कयामत आ जाएगी। इसलिए दुआ कीजिए कि आपका ये वकील बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए अच्छा बेटे। इन्होंने क्या कहा? क्या? कि बोल न सके तो कयामत आ जाएगी। दुआएं दे रहे थे, ये तो उनके बोलने का तरीका है, मजाक कर रहे थे। कहीं बददुआ तो नहीं जो उनके मुंह से निकल गई? ऐसा कुछ नहीं है, आप तो खामखा कुछ भी सोचने लगती। आपका मुकदमा हुआ और मैं न बोल सका तो वाकई कयामत आ जाएगी। इसलिए दुआ कीजिए कि आपका ये वकील बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे। पढ़ रहे हो या कुछ और? मैं तो बस यूं ही हूं। कब आई तुम? बस अभी अभी। आओ बैठो। नहीं मुझे जाना है। अब जब आ गई हो तो आई नहीं, बस कहना है उस दिन तुम्हें देखा अच्छा लगा कि तुम्हें मिल गई। मिल गई? कौन? जिसके साथ टायर बदल रहे थे मिलके। मैं टायर नहीं बदल रहा था, वो मेरे साथ मिलकर टायर बदल रही थी। हमारे हैं एक, उनकी बेटी है। स्मार्ट है, खूबसूरत भी है। तो उससे क्या होता है? अच्छा हुआ तुम्हें मिल गई, अकेले नहीं रहोगे। क्या बात कर रही हो, मैं उसे चाहता थोड़ी हूं। वो तो तुम्हें चाहती है। उसके चाहने से क्या होता है? होता है, कुछ अरसे बाद दूसरा भी चाहने लगता है। ये क्या कह रही है? तुम अच्छे लगते थे पर शादी उनसे हो गई, कुछ अरसे बाद अच्छे लगने लगे, अब चाहती हूं। ऐसा ही होता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं अब भी तुम्हें चाहता हूं। वो मेरे साथ रहती है, मुझे साथ ले जाती है, हाथ पकड़ती है,
कभी कहती है साथ बैठो। साथ बैठ तो जाते हो? हाँ बैठ तो जाता हूँ। साथ बैठती है, हाथ पकड़ती है, अच्छा नहीं लगता? लगता है, नहीं भी लगता। क्यों? जुड़ता नहीं है पूरी तरह से। एक झलक देखी जब भी तुम्हें देखा, न बात हुई न मिली। महीने गुजर जाते हैं जब तुम्हारी झलक भी नहीं देख पाता। मैं लिखता हूं, पढ़ता हूं, सब कुछ करता हूं। बत्ती तब जलती है जब मैं स्विच दबाता हूं, पर तुम तो। मैं क्या? तुम अचानक मेरे सामने आ जाती है। न लाइन बिछाई, न तार लगाया, न स्विच दबाया। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, अंधेरे में, उजाले में, कहीं भी, कभी भी। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। याद नहीं आता, पर जब भी दिख जाते हो ऐसा ही होता है। मैं काम करती हूं, न जाने तुम कहां से आ जाते हो। तुम्हारा चेहरा मुझ में उलझ जाता है और पेट में उलझे पतंग की तरह नाचता रहता है। तुम कहां रहती हो? मुझसे मिलने आ जाओ, मैं नहीं जाती, इसलिए रास्ता बदल लेती हूँ। रुकती नहीं, चली जाती हूँ। तुम उस लड़की से शादी कर लो, फिर मैं याद नहीं आऊंगी। ये क्या कह रही है? याद बहुत तकलीफ देती है, मुझे भी कभी कभी। तुम शादी कर लो। यही बात यहां हाथ रखकर कहो। तकलीफ हुई ना? नहीं, मैं बना लूंगी, आप नाश्ता बना दीजिए। अभी मुझे दीजिए। क्यों? मुझे भी पढ़ना है। अरे तो पहले सुर्खियां तो पढ़ लें भाई। नहीं, मुझे तो दीजिए ना। तो आज क्या खास बात है अखबार में? शायद रिजल्ट आया हो। छोड़िए। अच्छा लीजिए, चलिए देख लीजिए। क्या देखेंगे उसमें? रिजल्ट आया हो तो। हेलो, फरमाइए। कौन? जुबेदा बेगम? जी हाँ, है। लीजिए, आपकी बहन का फोन है। हेलो आपा, आप कैसी हैं? अम्मी अब्बू कैसे हैं? आबिद साहब कैसे हैं? मोहसिन स्कूल जा रहा है कि नहीं, बताइए ना कुछ। किससे शुरू करूँ मैं?
मोहसिन आबिद साहब से या अम्मी अबू से? कोई और बचा हो तो उनके बारे में भी पूछ ले तू। जो खबर मैं तेरे को सुनाने जा रही हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।